नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं ग्राइंडर मशीन का पट्टा है, छोटा ग्राइंडर मशीन का। तो आपको बस बताएंगे किस तरह से यूज किया जाता है। ये पट्टा मार्केट में खरीद लेना आपको। ये ग्राइंडर मशीन का नट खोलना पड़ता है, दोनों नट जो है, दो नट खोल के तब ये पट्टा इसमें सेट होता है। तो पट्टा लगाने से पहले ये सरेस कागज़ के बारे में जानकारी ले लें। 36 नंबर कागज ये है, तो इसमें सारा कागज़ मिलता है, सारा नंबर का। तो इस तरह से ये नट लगेगा, तो इसमें करना है इस तरह से, पट्टा में लगेगा। पट्टा जो लेना है आपको, ये ग्रिप टाइप का पट्टा लेना है, देख सकते हैं ये जो कटिंग टाइप का है, जो पकड़ पकड़ने में काम आता है। इसमें वाशर रहना चाहिए लोहा का, जो 125 mm का है। इसका गोलाई जो है दोस्तों, ये 5 इंची रहना चाहिए। इस तरह से पट्टा लेके उसके बाद ये सरेस कागज को करना है क्या दोस्तों, ये उसमें ग्रिप पकड़ने के लिए ये 4 निशान लगाना है चारों साइड गोलाई के बीच सेंटर में। ये देख सकते हैं इस तरह से चारों निशान लगाना है, उसके 150 सुता फिर निशान लगाना है चारों दागी पे। देख सकते हैं इस तरह से लगाने से फ़ायदा होगा दोस्तों क्या, इस उसके बाद इसको कटिंग कर देना है चारों साइड। ये लगाने से फ़ायदा होगा क्या, ये गोलाई बहुत आसानी से होगा। उसके बाद फिनिशिंग घसीएगा तो फिनिशिंग होगा, ये बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह से कटिंग करके उसके बाद ये पट्टा लगा देना है। पट्टा लगाने के बाद ये नट, जो नट पट्टे के साथ में मिलता है दोस्तों, मार्केट में आपको मिल जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा कस के इसमें। उसके बाद ये जो लॉक है, लॉक इसको इस तरह से दाब दें, लॉक लॉक दाबने के बाद इसको पूरा फुल टाइट करना है। देख सकते हैं ये पूरा फुल टाइट कीजिएगा तो अपने आप ये नट अंदर चले जाएगा, जो चारों साइड ये बाहर की तरफ हो जाएगा सरेस कागज। ये देख सकते हैं इस तरह से करना है। बटन लगा के आप भी आपको दिखा देते हैं, जो कि ये डाउन है, इस तरह से डाउन रहना चाहिए, जो कि चारों साइड ये पूरा ये थी है दोस्तों, इस तरह से रहना चाहिए। देख सकते हैं इस तरह से आप इसमें सेटिंग करके आप घस सकते हैं, जो कि चिपकाने वाला कागज़ से बहुत ये चलेगा, बहुत ज़्यादा चलेगा दोस्तों। जय हिंद।